भरती झोली हमारे देवी मैया लौट के हम न जाइब खाली। मोर्चे पर मैंने इसे तैनात किया था, दुश्मन के हमला करने पर ये वहां से भाग खड़ा हुआ और इंडियन आर्मी के सारे हथियार दुश्मन ने लूट लिए। इंडियन आर्मी के नियमों के तहत इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, दत्तात्रेय की बातें अनसुनी करने और दुश्मन का हमला होने पर मोर्चा छोड़कर भागने के जुर्म में हीरा सिंह को फौज से डिसमिस किया जाता है। मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। देखा, मुझसे टकराने का अंजाम मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख मेजर दत्तात्रेय, हम एक ही निष्कर्ष पर बानी कि तू फौज खातिर बहुत बड़ा कलंक बाड़े। देख, जितनी गाली देना चाहता है दे, लेकिन दुनिया की किसी भी अदालत में तू अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता। भुला रहा बड़ा दत्तात्रेय कि दुनिया में एगो और अदालत बाटी जहां पे सच्चाई खातिर आदमी के बहस नहीं करे के पड़ेगा, और भगवान के वो अदालत में हमार सच्चाई मालूम बा। अपना दुख के बौछार करे लो, फसल नैया मझधार से तू पार करे लो। देखते निमिया, देखते निमिया के डाढ़ दे भी मैया, देखते निमिया के डाढ़ दे भी मैया, कैसे बन जालू तू भोली भाली। आकाश हवा छोड़े बस में, कुल बीमारी के माई दवा छोड़े बस में। ओ जल छल ओ आकाश हवा छोड़े बस में, कुल बीमारी के माई दवा छोड़े बस में। चरणन में आईल सवाली
दिया खुश रहा। अरे बेटा तो अचानक कैसे आ गया, ना कोनो फोन ना कोनो चिट्ठी। सब ठीक बा ना हीरा? बिल्कुल ठीक बाटी, हम थोड़ा थकल बानी। चला अंदर चला। अच्छा चाचा जी प्रणाम। ठीक बा। जरा अपन ऑफिस से समय निकाल की एक नजर अपन बेटी पर भी देख ली हल करी। वो अब बहुत बड़ हो गई बिया, ओकर हाथ पीला करे के बा। हमरा सब बात याद बा अंजलि के माई। बात ही बा ना, मार्च के महीना जब आवे के होखेला तो काम कुछ बढ़ जाला, और जब से हम ब्लॉक के बड़ा बाबू बना दिहल गेल बानी कुछ ज्यादा ही व्यस्तता हो गई बा। सिर्फ 15-20 रोज के बात बा, फिर बाद में हमरा भी समय ही समय रही। फिर अच्छा से वो लड़का देख के समझ के अंजलि के हाथ पीला कर दिया जाए, ठीक बा? हम एगो बात सोचत रहनी। बोला। यही कि पुजारी चाचा के लड़का से रिश्ता अच्छा रही। हीरा का बात बा बेटा, जब से तू आई बड़ा देखत नहीं बड़ा चुप चुप रहता। कुछ नहीं चाचा जी, बस ऐसे ही। कुछ ना? अरे बेटा अब तू हमार कहल माना, अब तू ब्याह कर, हमके हमरा जिम्मेदारी से मुक्त करा। चाचा अपने तो जिम्मेदारी से भागा था नहीं, और हमरा की जिम्मेदारी के नीचे दबा दे चाहता नहीं। समय पर सब ठीक हो जाए। अरे पगला, समय बीतल जाता, सोच विचार छोड़। लड़की आई अपन भाग्य लेके आई। अरे जब छुट्टी काट के तू जब ले फौज में वापस जाइबा तब ले तो शादी हो जाए। अब फौज में वापस नहीं जाइब चाचा जी। का केहूड़ी गईला राम जी हमारो चिरैया। ए हीरा बचुआ तनी सुना था, तू सचो के भाग के आ गेला भगौड़ा हुआ का बचुआ? बूढ़ी माई तो कैसे लगा था क्यों भगौड़ा हो सकेला? नहीं भगौड़ा नहीं है तो नहीं खेल लगा, वीर हो सकेला भगौड़ा ना। बस ऐसा नहीं समझ माई। अरे राते तो मजा कर रहे हैं। अरे अरे देख देख जंगल में मंगल रे। भोरे भोरे बुरारी मार लागत जी करिश्मा कपूर ही हो ये जंगल में। ये ले आज करा के ले चल ढोंचा में, एक महीना का छुट्टी का दहल जाए, एक महीना की। चल चल आगे चल रे सारे। कहां जाबे रे? खुद का चारू सोन चिराई। ओए 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 आके हमरा करेजा में काट। अरे अरे कहां जेबू है ना, खुद का मतावा है ना। अब हाल लवाई ना चला था के लिए पहुंचा अंदर। हम देखते हैं बताओ कहां का अरे जा चल रे कहीं दे दे। अरे छोड़ बचाओ बचाओ। हमारी जान बचाई, हमरा के बचावा ही लोगन से। हमरा के बचावा हो दो गुंडा लोगन से बचावा। कौन हो सरे? भुखाइल कुकुर बानी, हड्डी देख के मुंह से पानी आ जाला। सिपाही जी
बीच में से हटी घर जाई बुखाइल कुकुर तो सिपाही जी के घरे कौन काम बा घायल कुकुर बनल महंगा पड़ गई बहुत बहुत महंगा पड़े चल उठ बताएं बाद में उठ गांव में तू नया बुझात बड़ू एने का करत रहलू ह बगल के गांव के हई मंदिर जात रही हत गांव में बड़ू तो गांव ने ड्रेस भी पहन कर जा घरे थैंक यू अरे हाय देखी डब्बू अरे डब्बू अरे मर्दे कब आईला यार हम कब आई नहीं हाँ बैठा 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 हम तो अभी अब गए आवता नहीं और बम्बई से कब आईला अब ला अरे सारा गांव जाना था कि होली हम गांव वही मनाई ले हर होली में आई ले हमारा तो दो दिन हो गए लैला अपन सुनावा अब किरबा ना छुट्टी रम्मत छुट्टी बाटे हाँ तो मुंबई जाके ना हीरो हो गिल बड़न देखो तो नक्शा अब हीरो के नाम ले ला तब का कह तारा से हीरा भाई अब जान जा कि हई हते अमिताभ बच्चन के बंगला आ हई है जा हमर तक खेला अच्छा? सब्जी ना बेचिलो जा आ सब्जी अब तक जॉब निकले ला अमिताभ बच्चन तो उठतो सुतो हमरा ठेलवे पावे ला एक दिन तो आके लगलन टमाटर के भाव मुलावे खतरन की कैसे टमाटर दे रहे हो तो हम 10 रुपए दे देनी तो हम कहने की बड़ा दिन बड़े छूट दे देनी 2 रुपया हम कहने 8 रुपये तो कहले ओ काफी महंगा है निकलने बगली में 7 रुपया रे कहले कि 1 किलो दे दो हम छोड़ देने की बड़ा दिन बड़े का तनी तनी का भाई अभिषेक सवारे के शादी रहलो सारा तकारी हमरे ठेला से गयो ना हम यहां से सब्जी सप्लाई होत तो जग नहीं मही सारा हीरो लोग के पूछा कि कैसे लीटर बाटे टमाटर लीटर अरे वो 1 किलो बॉम्बे में महंगा नहीं चलता है गरीब बढ़ गई 36 रुपये अच्छा ये सब छोड़ा अभी आयल बड़ा तो कल फगुआ बाहू मलेटी वाला दारू निकाल ले आयल बड़ा नू होली के दिन तो मिलिट्री के दारू जरूर खुली हो डब अरे पढ़ाओ रे जब से रुआ गना गोद करता चढ़ल फागुन जब से रुआ गना गोद करता चढ़ल फागुन जब से रुआ गना गोद करता तनिका डाले तो तनिका रोले तो तनिका डाले तो ये गोरी हमर मन करता डाले तो ये गोरी हमर मन करता हट गोरी पट फटाफट दूर नहीं हट गोरी पट फटाफट आगे करे जा में पट सका सट भाई 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 भाई
बा हमार पिचकारी होली के लहार में छोड़ावे तो तुम्हारी दिल के भीतर घंटी टनटन करता दिल के भीतर घंटी टनटन करता कि तनिक डाले दो तनिका रंगे दो तनिका डाले दो ये गोरी हमर मन करता तनिका डाले दो ये गोरी हमर मन करता डाले दाए गोरी हमरो मन करता दूरे दूरे यू डोंट अंडरस्टैंड अरे होली होली होला मर्दिन का अरे ये भाभी है कमला ये मेरे दोस्त हैं हीरा भाभी प्रणाम नमस्कार तो हीरा तुम्हीं का ये आपका बहुत तारीफ करते हैं अच्छा। अरे तुम्ही तो बिल्कुल हीरा सर का है आइए अंदर आइए ना मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ आइए ठीक है चलो ये मत बुझिया कि तरह लाइन मारती मरते तो एकदम से कैबे हो रे चल पहल के बेर में प्यार हो गया जाके हमने के बांद्रा कोट में जो संगीत चाय बनवाता संगीता कहाँ गई तो रखे जो चाय बनवाऊ जी डब्बू आओ इके हाँ ये हमारी बहन ही है संगीता शर्मिली ही आओ बेटा अच्छा अच्छा गांव के गोल के मजा बा घर तो बहुत मेंटेन बा लेकिन हाँ तो साल में एक बार होली होली के आई ले रंगवा के चल जानी जानते हो मराठी मेहरारू भी देखियो लगा था ये लीजिए आप लोग बिस्कुट खाइए संगीता आप लोगों के लिए अच्छी चाय बना रही है अरे 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 इका कलिस रे आराम से दिमाग हंस में लिखे अरे बाप लगा तो लोकल है नहीं चलिए कोनो बात नहीं के सब ठीक हो जाए तो भाभी भोजपुरी बोले नहीं कि नहीं तनी तनी आवेला अरे वाह तनी तनी आवेला तो बहुत बढ़िया बोला तनी कोजिंगा बम्बई में आपन घर बाटे का नहीं किराए के हाथे वहां तो मरदेव बम्बई में कुल बड़ा खर्चा वर्चा पड़त हुई न हो हम बाद में चाय पी लेब ठीक ना
हम अभी निकल तनी फिर बाद में आए ठीक ना। ठीक बा चल तनी प्रणाम। संगीता संगीता अवतानी भैया जी हीरा के कब से जानता रू हीरा के कैसे जानता रू कई बार मिल चुकल बड़ी उकरा से एक बार कहा ओ एक बार हम मंदिर जात रही तो कुछ गुंडा लोग हमारे पीछे पड़ गए ले बस ये है हमरा की गुंडा लोग से बचाव ले रहा ओ तो तारा उनका से प्यार हो गई उनका के दिल दे चुकल बड़ू है जा अंदर जा रात में खे जा अंदर जा मी कहते रे सांगू तुम्ही मधे बोलू नका आजा आजा हमरा मालूम रहे तू इहे पर मिलबा ओ तू तू यहाँ ए बेरा कब आत बा हमार गांव मंदिर के ई पार है तुहार गांव मंदिर के ऊ पार है मिले के मन चाहल त हम आ गईली अच्छा तो अब तुम मिले लो हमरा से ना अब जा घरे ओफो चांदनी रात बा सुहानी हवा चल रहल बा ओकरा पर एगो अकेली लड़की तोरा साथ बा तोरा कुछ नहीं के होत अरे भाई एकरा में कौन ऐसन बात बाटी का होके के चाहिए का करता हूँ अब कुछ होता हमरा कुछ नहीं किया हो होता के ना मेरा तो कुछ नहीं के हो अच्छा ए, अरे क्या कर रही काहे अब तोहरा के कुछ होता गजब लड़की बड़ू तू हम तोहरा से प्यार करें हम तोहरा खातिर कुछ भी कर सकें हीरा ए हीरा ओह होली में तो तू बहुत मस्ती करत रहला तो भजन गाई नहीं आज तोरा के तो बतावे के ही पड़ी बतावा हमने के ब्याह कब हुई देखो अंजलि वो दिन तने सब होली के दिन जरा वो फौज के दारू पीले रहन इसे तो ज्यादा मस्ती रहे और जहाँ तक विवाह की बात बन एगो काम करो आओ बैठा बैठा देखा अंजलि हम तोरा के धोखा में नहीं रख सका हम जानते नहीं कि तू बहुत अच्छा लड़की हो हमार चाचा तोरा से इतना खुश रह ले तू इनका खातिर इतना कुछ करे लू हम यू जानते नहीं कि जोने घर में तू जेबू घर स्वर्ग हो जाए लेकिन हम तोरा के खाली दोस्त समझे ली अंजलि हम तोरा के कब वो दूसरे रूप में नहीं देखली और फिर हमरे जीवन में भी कोई बाटी अंजलि जकरा से हम बहुत प्यार करेली वो हमरे आंगन में भी आई ऐसे हम तो से कल इतना रिक्वेस्ट करता नहीं कि कब वो हमरा के वो रूप में मत देखी
तुम्हारा मंदिर में बहुत अच्छा लगेला। हाँ अक्सर मंदिर पर काहे बुलावेला? हमके मंदिर में सही में बहुत अच्छा लगेला संगीता। सबसे बड़ी बात कि मंदिर के एक तरफ हमार गांव और मंदिर के एक तरफ तोहार गांव। हमें मंदिर पर बहुत शांति भी मिलेला और हमरा समझ से सच्चा प्यार करे वाले लोगन के मंदिर पे ही मिले के चाहिए। और जब तू वापस छुट्टी पर चल जाएगा, मतलब कि वापस फौज में चल जाएगा, तब हमार मन कैसे लागी? संगीता हम वापस फौज में नहीं जाएब। का वापस फौज में ना जाएब? मतलब संगीता हम कोनो लंबा छुट्टी पर नहीं खी आयल। संगीता सच बात तो ई है कि हम नौकरी से निकाल दिहल गेल बानी। ई का कह रहल बाड़ हा? लेकिन ई सब हो कैसे गईल? हमसे गाली बर्दाश्त नहीं भेल संगीता। यू ब्लडी फूल, हीरो बनता है। ये टकिन क्यों नहीं किया? सॉरी सर, गलती हो गई। यू ब्लडी फूल, क्या कहा था मैंने तुम्हें कि मेरे बंगले पर जाओ और मैडम जो कहे वो करो? क्यों नहीं गए तुम? मैं पूछता हूं क्यों नहीं गए तुम? सर मैं हिंदुस्तान का फौजी हूं, मैं देश की सेवा करने के लिए फौज में हूं, किसी के घर में सब्जी पहुंचाने के लिए नहीं। यू ब्लडी इडियट, मुझसे जबान लड़ाता है? मैं तुझे आर्मी का डिसिप्लिन सिखाता हूं। सर मुझे गाली मत दीजिए। सुअर की औलाद। सर मुझे गाली अच्छी नहीं लगती। कुत्ते कमीने। सर मुझे गाली अच्छी नहीं लगती। आई सेड गेट आउट। आज तुझे चार चक्कर ज्यादा लगवाता हूं। आई सेड गेट आउट इडियट कहेगा। गेट आउट। आई विल शो यू द रिजल्ट। हमार कमांडेंट हमके बहुत गाली देत रहे, ओकरा के हम बार बार मना केली, बार बार मना केली कि हमरा के गाली मत दी हल्का। एक दिन हमसे गाली बर्दाश्त नहीं भई। परे चल। 1 2 3 4 5 हम सामने देखेगा, सामने देख। ए यू ब्लडी फूल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या हो रही है? परेड हो रही है। ये परेड हो रही है? ना किसी का हाथ मिलता है, ना किसी का पैर मिलता है। सीख जाएंगे सब लोग। सीख जाएंगे तुमसे, कुत्ते कमीने। तुमको तो धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए रखना चाहिए। इडियट कहीं का। देखिए मुझे गाली मत दीजिए। बिहेव योरसेल्फ, जबान कंट्रोल में रखो। आई डोंट लाइक अब्यूजिंग। शट अप, हमें गाली मत दो। यू ब्लडी बास्टर्ड, यू ब्लडी। हे हे, क्या कर रहे हो? हे पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, हे बचाओ, हे पकड़ो, पकड़ दे इसे, हे पकड़ो, हे पकड़ो, हे पकड़ो, हे पकड़ो, हे पकड़ो। ओकरा बदले हमरा पे भगोड़ा के आरोप लगा के और हमरा के कोर्ट मार्शल करा के नौकरी से निकलवा देलस। लेकिन हम भगोड़ा लेखी संगीता, हम भगोड़ा लेखी, हम भगोड़ा लेखी। हमरा की तोहरी बात पर पूरा भरोसा बा और हम जाने तानी तू मर जाइबा, पर केकरो की पीठ दिखा के ना भाग सकेला। हम भगोड़ा लेखी। तू भगोड़ा नहीं खा। भगोड़ा सब हमके बहुत तकलीफ देला। हाँ हाँ हम जाने तानी। जब जब कोई के भगोड़ा कलम के बहुत तकलीफ होला। हम भगोड़ा के पैसे। चाचा जी कुछ कहे के जरूरत दिखे बेटा।
हम सब समझ गए ली। देखा दुखता हम रहे बात के बाद कि तू इतना बड़ बात हमरा से आज ले छुपा के रखला। हम बतावल चाहत रहे चाचा जी, हम बतावल चाहत रहे, लेकिन कुछ कहे के जरूरत नहीं है बेटा। हम जानत हैं तो हमेशा बहादुर रहला, बहादुर रहबा। जिन जिन तीर्थों में जाकर आपने हरि को पुण्य वचन दिया, जिया खुश रहा। का हो डब्बू, बड़ा टेंशन या लगता रह, का बात बा? का बात बा? टेंशन में तो बानी, का बताए? अरे अब बुझौल बुझाई बा कि कुछ बताइबो करब कि का बात बा, बोलो। रव हीरा जोन काम कइले बाड़न। हाँ, का कइले बाड़न हीरा भाई? का कइले बाड़न? हाँ, वो हमरा बहिन के संगीतवा के अपना प्रेम जाल में फंसा लेल बाड़न, आ वो खाली हीरा हीरा जपतिया, हीरा हीरा जपतिया। अरे डब्बू तनी धीरे बोलो, केहू सुन ली? अबे कोई सुन ली तो का हुई? होई का बियाह हुई, दूसर कौन उपाय बा? ए डब्बू, ये बात तू खिसिया के तो नहीं खनु बोलत बबुआ? हाँ। अरे 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 चाचा, हीरा जैसन हीरो लड़का हमार पाहुन बनी, ए ले खुश नसीबी के बाद हमरा खातिर अब का? जय हनुमान ज्ञान। हीरा? हाँ। ये डब्बू का कहता? अरे ये गुरुचरित डब्बू ले ना का किनके? हम जन पूछो तनी ओकर जवाब दो, ये डब्बू का कहता? क्या बाकी संगीता अच्छा लड़की है बाबूजी, बाकी आप लोग जैसन मर्जी। अरे संगीता अरे तू यहाँ कैसे आ गेलू? तारे क्यों देखल तो नहीं? तू यहाँ बैठल बैठल अकेले का करे तारा? बस समय से ही बैठल रहनी है, अच्छा लागत रहा। और क्या तो यहाँ हमरो के बुला लेता, हम तन्हाई में तोहार साथ दे देती। हम जानत आनी कि तू बहुत प्यार करेलो हमरा के, लेकिन का बाटे ना कि हर चीज के एगो सीमा होला। अभी हमनी के थोड़ा दूर रहली ठीक बाटे। अरे का हो गए, इतना दूर जाके बैठे के थोड़ी हम कली हैं? अच्छा क्या बात बाटी? ओ का है ना, हमार खातिर एगो रिश्ता आई बा, नहीं का ना बहुत कमाल के बा, चेहरा पर हर वक्त खुशी, एकदम राजकुमार जैसा ना, और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं खे। ओके देखे दिल ऐसन करेला, ओके पकड़ के ना एक और चुम्मा दे दी। अच्छा हमरा से नाराज बड़ो का ना? हम आपके ई बतावे आइल हई कि हम लड़का की शादी खातिर हाँ कहे वाला हई। सुना तो I'm
तोहरा मन में हमरे खातिर बड़ी खोट बागोरी, तोहरे मन में हमरे खातिर बड़ी खोट बागोरी, हमरे बस में ना तोरा जिंदगी केरी मोट बागोरी, हमरे बस में ना तोरा जिंदगी केरी मोट बागोरी। रोका घारी घारी माफ कर दो कि बुद्धि हमार छोट बसैया, माफ कर दो कि बुद्धि हमार छोट बसैया, तोरा हाथे हम तोरा हाथे हमरा जिंदगी केरी मोट बसैया, तोरा हाथे हमरा जिंदगी केरी मोट बसैया। देखिए हम चाहत तनार नहीं है कि इतना जल्दी मुंबई वापस जाएं, बाकी जानते बानी कि अकेला आदमी बने वहां सब काम अकाज होखता, इसे जाही के पड़ी। रवि हमरा के इजाजत दी। ए डब्बू, हम चाहत तनी कि तू हीरा के भी अपना संगे ले ले जा, मुंबई में कोनो काम धंधा से इनका के अपना संगे लगा ल, तू तो जानते बड़ा बबुआ यहाँ कोनो काम धंधा तो बाना। एकदम चाचा जी, रवि हमारा मुंह के बात छीन लेनी। अरे हम तो सकोचे न कहत रहनी हनु, ये ठीक नहीं रही। का बाटे बाबूजी की मुंबई की हालत बहुत अच्छा नहीं की, और फिर सही बात बाटे मुंबई कितना लोगन के बार सही, कितना लोगन के जिलाई। तोरा ऐजे बैठल बैठल सब लोग कता ल। अरे मुंबई के दिल बहुत बढ़न बाटे, आज भी हमनी के वहां उतने प्यार मिलता, उतने रोजी रोजगार मिलता जितना पहले मिलत रहे। तो तू चलो हम हीरा के भेजत हैं। और इस तरह समय बीतत गयल, डब्बू मुंबई आ गयलन और अपन काम धंधा में लग गयलन। इधर हीरा के पास गांव में कोई काम धंधा ना रहे के चलते डब्बू हीरा और अपन बहिन के भी मुंबई बुला लेलन। खोला हो, देखो कौन आया है। अरे अरे थामो, शादी के बाद पहली बार तुम ही मेरे घर आए हैं। आइए
प्रणाम। और मेरी ननंदी पहली बार घर आई है दुल्हन बनने के बाद, ये गा। बैठ। अच्छा भाई लागे लजा। और कौन तकलीफ तो ना न भैलावे में? नहीं तकलीफ का हुई, अब जनते बनी 28 घंटा के रास्ता बटे तो थोड़ा सा तो परेशानी हो ही जाला, ऊपर से 3 घंटा लेट। अरे हम तो स्टेशन गनी तब तो पता चलल कि 3 घंटा लेट भी है ट्रेन। ऊपर से वो तो छूट ही ले रही है के? अरे राहुल बहन के जोन केरा खाए की आदत बटी। अरे लगनी मजाक करे। अरे मजाक नहीं कर, सच्चो बताओ तनी भूसावे से सब केला केला करत रहली, गइली केरा किने ट्रेन चल देलस। अब बड़ा मुश्किल से उतरे, कैसे उनकर हाथ धैली चढ़ौनी खींच लेनी। अरे पागल आ ना भाई, ये लीजिए चाय। ले चाय पी। ई बाटे की यहाँ रूमो बड़ा छोट छोट बाटे। हाँ तो ये गाँव ना ना, यहाँ मुंबई के लेवल में यह बहुत बाटे हम निखरते। अच्छा अपनो लेवल बढ़ हुई। एक बात देखी, जैसे गांव से बुला लेनी वैसे हमनी के ड्यूटी समझा दी कि का करे के बा। अब ड्यूटी का होते और परेशान होके के बा, सब्जी बेचबे करी ले, वही में तनी हेल्प करी, बाद में देखल जाई। ठीक बा। चाने हफ्ता हफ्ता कैसा हफ्ता? रोकड़ा रोकड़ा। एक तो सवेरे से कुनिनुओ नहीं बिकाइल, कटरात बनी, ऊपर से हफ्ता, हम हफ्ता नहीं दे सकते। अरे अरे भैया है क्या बे? हमके चाहिए तो भैया भी कह सकी ना, बड़ भाई के नाते हम कह सकी ना, लेकिन जहाँ तक हफ्ता के सवाल बैठे ना, हम अपना पसीना की कमाई आपके नहीं दे। अरे हफ्ता निकाल, अन्ना को पहचानता है क्या? अरे अन्ना क्या? अरे भाई साहब हफ्ता मांगता ना, हम तक कहाँ से देती सवेरे से को तरकारी भी कल नहीं बात। नो से नो नहीं हफ्ता देता नहीं। क्या करता रहा समझा करा? अरे एक तरफ से हम माफी मांगता नहीं, माफ कर दी नया आई बाजू। अन्ना से ना, ठीक है ना भाई, चल चल। ये सर्व का बुझे तो है ना सर, यावा चला। ताई देखो देखो, हमार कुल तरकारी गिरा धला सन, ये बहुत बहुत गड़बड़ बात बाटे। देखो झुरैया के नि सही कुल गुंडा बदमाश होंगे सन, ई गांव हो मुंबई, हम मुंबई हां, ताई से कुल तरकारी पर छिड़ दिया सन साला, धक ले जाई ना त जमानत ना मिली, बुझल गांव ना हो। मर्दी को कहाँ फंसा धर लिया कैमरा के? देखा आज तो हम बर्दाश्त कर लेनी,
अगर आगे से लोग आइल ना तो फिर हमारा से बर्दाश्त नहीं हुई। का हो गई? एक तो आदमी घामा में खड़ा होके सब्जी बेचे, ऊपर से सारे आकर के ठेला पर हफ्ता मांगा तलसन, कुत्ता कहीं क्या। अरे भाई कौन आज से नहीं चालू भाई, जब से ही बस्ती बत तब से यहाँ अन्ना के हफ्ता उस लाला। जब सारा कोई देता तो रउआ हमारा खातिर अलग से नियम बनी करे। रउआ खातिर मुंबई नया बा और भैया यहाँ के बहुत पुराना बाड़न, रउआ देखी का करे के चाहिए। का करे के चाहिए? सबका नहीं नमो कायर नहीं की, सारा गरीब आदमी के खून चूसत अवसन। अगर आगे से कोई हमारे ठेला पर आ गेल ना तो टंगड़िया चीर के फेंक देव जाके वो गोरेगा में दहसर गिरी। बस बस हम समझ गए। अरे कोनो जिंदगी भर आपके तकारी नहीं खेने बेचे के, वो हमारे को दोस्त काम कर ला बार में, वो रोज कह लगे के वो फौज के रिटायर आदमी होके तब बताइए गाद खा कल चल जाइए। ठीक बा। Oh,
अरे हिने आ हमर जान, अरे आ आ आ आ आ, छोड़, आ इधर आओ, ये दिल में आग लगा के, ये दिल की आग बुझावे के एक रात के कीमत बताओ हमर जान, समझी? हे मिस्टर, में डांस करने वाली हर लड़की बेकार नहीं होती, छोड़ मुझे, अरे चुप चुप, हे भाई, ये जब लड़की कहती है कि हाथ छोड़ दो तो कहे जबरदस्ती करत अड़ो काहे रे तोहर जोरू लगत या का रे हां अरे जोरू तो नहीं लगती है लेकिन बहन भी नहीं लगती है और ऐसे माने तो बहुत कुछ लगती है अबे ओए मटर कर दबका चला चल ले ले देखो संगीता मुंबई के बारे में तो तू जानती ही हो लेकिन तुम्हारे भैया बता रहे थे कि हीरा जहां भी जाता है कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है सब्जी मंडी में अन्ना के आदमियों से पंगा ले लिया और गार्ड की नौकरी के लिए गए तो वहां भी लेकिन भाभी आप उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं वो ये सब नहीं कर सकते मुझे लगता है जरूर कोई अत्याचार हो रहा होगा उन पर तभी वो खुद को रोक नहीं पाते होंगे लेकिन तुम उन्हें समझा तो सकती हो ना अगर तो बीवी है उनकी अरे कहाँ ले गई नी सजनिया अरे भैया बोली साहब एक किलो बटाटा एक मिनट बटाटा माने अरे बाबा अरे कभी आया तू अरे साहब बटाटा माने अरे बाबा बटाटा मंजे ये ओहो आलू 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 कितना दे दें एक किलो दे ठीक बा एक किलो काना के उठा ठंडा माने अरे बाबा तुला समझत नहीं का प्याज भैये प्याज अच्छा प्याज बस अरे समझ जाए एक आए ते पत्ता गोभी ते पंटाक अच्छा ठीक बा ठीक 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 अरे बाबा लौकर कर अरे है? अरे जल्दी कर बाबा अच्छा ठीक अरे क्या वो सब बराबर है डाल ऐसे ही डाल हाँ वो डाल ठीक है हो जाए चिंता मत कर पंटाक काय वजन कराई थी जरूरत नहीं चल अरे ए ताक टिक रे अच्छा साहब अच्छा चल चल लौकर कर हाँ बरा अच्छा बरा सांग सगड़ा कितनी जाले 110 रुपया साहब अरे बाबा 110 रुपया केवल बराता एक काम कर 90 रुपया और दे मेरे को चल कहे साहब सरकार 200 रुपया की नोट चलो ले भैया का अरे बाबा तेरे को बोला ना जास्ती बोलने का नहीं समझ में नहीं आता तेरे को ये सब्जी भाजी ना हमारे घर में नहीं उगेला बाजार से लिया पड़ेला तो अरे तब का मतलब पैसा दी ए तू क्या मुंबई में नया आया है क्या चला हमारे से पैसा मांगता है भांजी ले ही लेकिन बिना पैसा देले कैसे काम चली नहीं बहुत अच्छा ए? बहुत अच्छा साहब पैसा कैसा पैसा अरे साहब इतना तरकारी माल ले लेनी तो पैसा नहीं दे तो तेरे को पैसा मांगता है पैसा मांगता है हमारे से पैसा मांगता है अरे पहले तो अरे सब जाने दे पैसा कह दिए गरीब आदमी है तो समझा के रख उसको चलना है अक्का एरिया आप उनसे कांपता है अरे साहब जाने दो ना ये लो अपना सामान ए तेरे को बोल रहा है समझा अरे पुलिस वाले से पंगा मत ले अरे मेरी बात समझा कर अरे का पंगा लेने का हाँ जगन सेठ अरे भाई तुम टेंशन काहे को लेता है मैं ना इधर हाँ अरे बस सुबह सुबह दाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपन का है बस खुश
ठीक है जगन से, चल बाय। आप एजा? हाँ, हम एजा थोड़ी दूर पे रहिला। अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट। आप परिवार चलाओ खातिर बार में काम करी ना? हाँ, काम करत रही। अच्छा। अब हम बार में काम करल छोड़ देनी। और ऐसे भी वहाँ मजबूरी में करत रहनी। बाबूजी के इलाज के खातिर। लेकिन अब वो सब खत्म हो गए। दो दिन पहले बाबूजी चल बसले। उ दिन जब बार में आप हमार इज्जत बचौली तो मन में बहुत खुशी भइल कि कोई तो अपन दर्द समझे वाला हमें मिलल। कब्बो कोनो भी परेशानी होखे तो हमरा के याद कर ले, हमें जिंगे सामने रही ना। बोली क्या का तरकारी चाहिए? एक किलो लौकी दे दा। एक किलो लौकी, आधा किलो बैंगन। आधा किलो बैंगन और आधा किलो करेला। आधा किलो करेला, ओके ठीक बा। इली इला। अरे रह दी, आप खुदे मुसीबत बानी, कोनो बात नहीं है। नहीं नहीं लेला, और फिर आप हो तो खरीदे के बेचता नहीं। अरे खरीद के तो बेचते वानी, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि फायदा नहीं होला, काफी फायदा भी होला हमनी के। और जहाँ तक बात रहा पैसा के, तब जब आप अभी मुसीबत में बानी कमाए लगब तो दे दे। ठीक बा, फिर मिलब। अरे हाँ तो ऐसे दुकानदारी कैला नू तो गांव के टिकट कटले बा। सुन ला नहीं कितना परेशानी बतावत रही। हाँ तो पूरा मुंबई तो परेशानी में बात, क्या करब आए। अरे मर्दे दिल की अच्छा लड़की है, उतनी मुसीबत में रहे। हाँ तो लुटा दो, लुटा दो पूरा पूंजी लुटा दो। अरे महाराज अच्छा गलती हो गई माफ कर दो, आगे से आई तो पैसा ले ले। हाँ के हमके जगा के हूँ रोज रोज सपना में आके आधी रतिया के हमके जगा के मुस्कुरा के लौटा में छुप जात बा।
रही है क्या? का है भौजी? का बात बा? क्या करूं? बताऊं कि नहीं बताऊं? हीरा कोनो शिकायत करत रहन का? अगर नहीं, शिकायत नहीं कर रहा था, पर आजकल वो बार वाली लड़की के साथ। बार वाली लड़की? अरे वही जिसके लिए वो मारा मारे कर रहा था। पर भौजी बात कह, साफ साफ बताई ना। आजकल हीरा उस बार वाली लड़की से भाजी देके पैसा नहीं ले रहा है। काहे? अगर तो मी का सांगू। पगली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। भौजी, हमरा से ऐसा मजाक दोबारा मत करब। अगर तू पर अच्छा तनी धीरज धरो। ओ भाई के तनी भैया, बस 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 हो गई। हाई लाई दम गरमा गरम छान के दे धर भाई। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे अरे के मदद करो हमरी। अबे तुझको भी गर्मी आ गई क्या? अबे क्या? अबे अन्ना के आते हैं, अन्ना के। अरे साले हफ्ता निकाल, हफ्ता चल। लेकिन हफ्ता तो कल दिए थे ना। अरे वापस दे। अबे बहस करता है। अब बस ये छना गई। हाँ अरे भाई का क्या बोला? अरे भाई बिक्री भी अभी नहीं हुआ है। अबे वो बिक्री नहीं हुआ, समझता नहीं। क्या बताओ बिक्री तो इन दो। अरे बाप रे, बर बर Oh!
वाह वाह, अरे शरम आवे के चाहिए तू सब तमाशा देखे वालन के, जब नहीं जा खड़ा होके तमाशा देख रहा बाड़ा। अरे अगर तू सभी इनकर जैसन हो जा तो क्यों के मजा नहीं खे कि तू लोगों की तरफ आंख उठा के भी देख सके, लेकिन नहीं तू लोग तो अपन बुलटीवी से बाहर ही ना निकलना चाहता रहा। आ! आज तो तू साबित कर देला कि अगर भोजपुरी या मरद अपने आप पर आ जाना तो केहू के भी छठी के दूध याद दिला सकेला। वाह क्या बे, तो बस्ती गया था ना? हाँ बे। अब तलाया? और ये तेरे चेहरे का रंगत किसने बदला? अन्ना भाई मैं बस्ती में हफ्ता लेने गया था, लेकिन वहां पे आया है उसने हफ्ता देने से मना कर दिया। भाई हमको और हमारे आदमी को बहुत मारा भाई, ये देखिए। अन्ना बहुत खतरनाक आदमी है मालूम बा, होकर रिश्ता अंडरवर्ल्ड से बात है। आओ आईका, बोरीवली में मेरी एक मावशी रहती है, इस समय कुछ दिन के लिए हम लोग उधर चलते हैं, उधर हम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। भाभी ठीक कहा ताड़ी, पता बा कि कुछ 3-4 महीना पहले कुरला में एगो आदमी के जला के मार देले रहले सन, और वो आदमी अन्ना के रहलन। देखा जा हमरा के अन्ना के वीर गाथा मत सुनावा जा, और तोहरा के कोई मारी ना तो हम तमाशा नहीं देख सकील ना। अन्ना कितना खतरनाक आदमी बाटे कितना नहीं खे हमारा एकरा से मतलब नहीं खे, लेकिन हमारे परिवार पर अगर कोई हाथ उठाए तो हम हाथ तोड़ ताके दे दे बकरे हाथ में। ए बाहर निकल। के हो सकेला? रुक हम देखा था नहीं रुक लागत आना क्या आदमी हो गए। हीरा तू पीछे से निकल जा, तू पीछे से निकल जा, हमें हमें करके देखा था। हीरा तू पीछे से निकल जा, तू निकल। अरे बाहर निकल। अरे बात सुन, अरे बात सुन, बात मान। अरे बात सुन, लागत आना खुद आ गया। ए भैया बाहर निकल जा, दरवाजा तोड़ डालो। अरे रुक सब खुद कर ए चलो, हम तुझे बार बार कहते ना देख हम जहाँ के रहे वाला ही ना वहाँ की मिट्टी इतना स्वार्थी नहीं है, ये कुल हम इतना आदमी के जान के आफत में जान के हम भाग दिए जिगर से। ए बाहर निकल, जब हमारा चाहिए के जाके अपन जान बचा के भाग जाहिरा। हम फौज के आदमी हैं, हम और फौज के आदमी हैं जहाँ 50-50 आदमी सर के लिए लड़े के ट्रेनिंग दिया जाला, हमारा के कोई मतलब। अरे भैया बाहर निकलता है, मैं अंदर आऊ। जोर जोर से दरवाजा पिटे के कारण का बाटे? क्यों बे, तू अपने आप को बहुत शूरवीर समझता है, हाले तेरी हिम्मत कैसे हुई अन्ना के आदमी को हाथ लगाने की? अन्ना है हम अन्ना, तुझे ऐसी मौत दूंगा बस्ती वाले साले हमेशा याद रखेंगे। ए इधर आ, खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? अरे घूर क्या रहा है, चली जरा।
चल दिखा मेरे से दादाजी, दिखा और फिर दिखाओ। उसको मालूम था, वो नहीं जानता आपके बारे में अन्ना भाई। मैं समझा दूंगा उसको अन्ना भाई, मैं समझा दूंगा। बड़ी फिक्र है तुझे इसकी? नहीं अरे भाई। लेकिन साले इसे तेरी फिक्र नहीं है। अबे मरने दे इसे। नहीं अरे भाई। इस हरामी ने मेरे से पंगा लिया है, अन्ना से पंगा लिया है, अन्ना से पंगा लिया है। देखिए तो साला मरेगा ही, तू भी मरेगा, इसके जोड़ भी मरेगी, पूरा परिवार मरेगा। बोला था तेरे को अन्ना से मारना। समझा दूंगा अन्ना भाई, मैं समझा दूंगा अन्ना भाई, मैं समझा दूंगा। चल चल, तू बोलता है तो इसे माफ कर देते हैं, लेकिन इस कमीने को बोल कि वहां से यहां आए, मेरा जूता निकाले, उसे साफ करे, फिर मेरे पांव में पहनाए। एक कुर्सी लावे। ये लो ना भाई, बैठो बैठो। देखता क्या है, मारेगा मुझे? अबे साले जूता निकाल, अबे निकाल। ऐ जियो शाबा। चल इसे भी साफ कर, अबे देख मत साफ कर। चमक आनी चाहिए इसमें। ऐ शाबाश। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है भैया। अच्छा सुनो, तो फौज में था है? वो फौज में वो ऐसे चलते नहीं, इसके इसके बले से गुफा के अंदर चल के बताओ ना। अबे देख मत, पता चल के। अरे इधर उधर क्या घूर रहा है, चल। अरे मेरे शूरवीर, तूने तो साबित कर दिया कि तू इन लोगों को बहुत चाहता है। क्या रही से तेरी बहुत फिक्र है। लेकिन साला कुछ तो है जो तेरे से ये सब करवा रहा है, है? वो क्या है? ये क्या रहा वो? तो ये है वो जादू जो इस हरामी के सर चढ़ के बोल रहा है। चलो जरा हम भी देखें क्या है तेरा जादू। तो जादूगरनी अन्ना भाई, अन्ना भाई ये मेरी। अबे साले
तू ही है वो जादूगरनी। क्यों बे, यही है ना जिसके लिए तू ये सब कर पा रहा है? जरा मैं भी तो देखूं इस जादूगरनी का। से देखते रहेंगे। प्लीज हम खाली वहां से देखते रहेंगे। चला ही आके बैठा हम की देख रहे सकीला। डॉक्टर लोग देखा था वहां तू आ बर्दीला तू सब जब कैली का बात के अबरे ओ जी का से देख कर तो का हो जी बर्दी टप्पू खाला मत कर सब हमारा अपना आपके। अरे अब की देखे दे ए का है हीरा पहुंचा यहाँ सब डॉक्टर बाहर ना चला तू। अरे तू इस दगी तक कुछ हो ही नहीं ना ए? कुछ नहीं ओके कुछ नहीं हो चाहिए एक मिनट तेरी देख ले वे दे डब्बू तेरी देख ले दे का
काबिल डॉक्टर साहब। हमें अफसोस है कि हम मरीज को बचा नहीं पाए। Thank you.
अच्छा भाईल के अन्ना मारल गईल कल इस बस्ती में सरे आम एक आदमी का कत्ल कर दिया जाता है। तुम लोगों में से किसी ने देखा था? हैं? तूने? सब 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 मैंने नहीं देखा साहब, मैं तो डिटेक्टिव था साहब। अच्छा, तूने तो जरूर देखा होगा। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। देखो बस्ती वालों, कल दिन दहाड़े एक आदमी का कत्ल हो जाता है, वो कानून का मुजरिम है और पुलिस को उसकी तलाश है। मैं जानता हूं अन्ना अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया अच्छा नहीं किया, और अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। डब्बू भैया, डब्बू, हो सके तो हमरा की माफ कर दिया। हमरे कारण संगीता दुनिया से चल गई, आपके माफ कर दिया। हमरा तोरा पर नाज बहिरा, जौन काम कह के तू यहाँ खड़ा बड़ा, एक दिन पूरा मुंबई तोरा गोला पर गिर के दे दिया आई। बाकी रोकरा खातिर हाय हयासू हयासू ना हयासू के जरूरत नहीं है, हिम्मत और करेज के जरूरत बा। अब जन कदम बढ़ा दिल बड़ा ओकरा के निभा देवे। हेलो, मैं परेश भाऊ बोल रहा हूँ। कौन परेश भाऊ? अरे अक्का मुंबई का डॉन परेश भाऊ, समझा क्या? हाँ परेश भाऊ। हेलो, अपुन को हीरा मांगता है क्या? हीरा? हाँ, हीरा बहुत काम का आदमी है, अपुन हीरा के साथ मिलकर काम करना मांगता है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ, हीरा मेरे पास। हेलो, मैं परेश भाऊ बोलता है। क्या काम बा? अक्का मुंबई अपुन को मिलना चाहता है, मैं तुमको मिलने को मांगता है क्या? तेरे से धंधे की बात करनी है, समझा? है? अरे काय को अपन का टाइम खोटी करता है डब्बो। हेलो, हाँ परेश बाबू, हम लोग आ जाएंगे। किधर? ऐसा कर, कल बंगले पे आ जा, उधर ही बैठ के बात करेंगे। ओके परेश बाबू, ओके ओके। हीरा, ए Thank you.
नालायक बेअकल गोदाम मध्य चोरी कैसे जाली जा तेरी चौकसी करा अरे मुंह क्या देखता है जाओ माय फ्रेंड वेलकम वेलकम या 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 चला अजय वेलकम माय वेलकम बता 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 बस भाई वाह परसों बाद मेरी आंखों ने किसी शेर को देखा है दुबई सिंगापुर हांगकांग मलेशिया अब उनके धंधे से जितने भी कंसर्न लोग हैं वो आज साहब तुम्हारा नाम का माला जपता है अच्छा बताओ क्या पिएगा विस्की ब्रांडी रम जिन सर हमनी के शराब नहीं पिए ली जा सर आपके बहुत मेहरबानी आप हमनी के याद खेली कुछ काम की मतलब... बात खेल जाओ आ आ आ आप उन भोजपुरी समझता है क्या भाई हीरे की कदर तो ये जोर ही जानता है और अपुन जिस धंधे में है उसमें तुम जैसा बहादुर बहुत कम मिलता है क्या सर अभी तो मिल गिलवानी ना सेवा बताई अच्छा ये बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकता है दुनिया को ऐसा काम नहीं खे जवन हीरा नहीं के कर सकत हाँ आदमी को मारने में तकलीफ होता है पहली बार भइल रहे अब आदमी के मारे में तकलीफ नहीं होला अच्छा ये बताओ कि तुम पे कितना भरोसा कर सकता है भूल के भी मत करिएगा बहुत धोखा हो सकता है वेरी फनी वेरी फनी सच्चा अपनी है बिल्कुल सच्चा बात करता है ये ला अब उनका पहला मुलाकात का पहला नजर आ नहीं ही कहा ही कहा ये सब चलता है भाऊ अपने आदमी है दोस्त है अपने घर की बात है और भाऊ आपका जिधर पसीना बहेगा ना उधर अपन लोग खून बहा देगा आधी रात को ढूंढना कभी अपन लोग रेडी मिलेगा भाऊ है ना हीरा भाई चलते हैं ओके ओके हीरा भाई चलिए ठीक है धारावी वाले केस का क्या हुआ और हाँ इंस्पेक्टर पाटिल अन्ना मर्डर केस का क्या हुआ कोई गवाह मिला नो सर कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हर आदमी बोलता है मैं वहां मौजूद नहीं था मौजूद नहीं था यहाँ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है कि दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या हो जाए और कोई भी ना देखे सबने मुंह बंद कर रखा है कोई भी मुंह खोलना नहीं चाहता इसकी दो ही वजह हो सकती है या तो जिसने अन्ना की हत्या की वो इतना खतरनाक है कि उसके डर से कोई भी बोलना नहीं चाहता या फिर अन्ना के मरने से बस्ती के लोग खुश हैं इस बात को तो आप भी जानते हैं सर हाँ जानता हूं सारे गैर कानूनी काम करता था वो बस्ती के लोग भी परेशान थे उससे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी इंसान उसकी हत्या करके उसे सजा देने की कोशिश करे तो फिर हम किस लिए हैं हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए है पाटिल आपका कहना बिल्कुल सही है सर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है वो कानून का मुजरिम होता है लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हम कर भी क्या सकते हैं सर गवाह और सबूत ढूंढ कर गुनहगार को सजा दिलाना हमारा काम है हमारी ड्यूटी है और इंस्पेक्टर पाटिल मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाओगे दैट्स ऑल यू कैन गो नाउ सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर हीरा ये हीरा हीरा हाँ है नहीं आवा मरते यहाँ लुकल बड़ा काम बोल इतना देर कर दिला कुछ मिलल कि नहीं कुछ मिलल का कलील बता कुछ ना मिलल का मिलल चारों ओर पुलिस पुलिस कुछ ना मिलल बड़ा पाव पर भी आफत बा मार्केट में चल निकाल भाई तार बिस्कुट ये छोले बस अगर एगो गुमटी में मिल गेल है देखा ना ए मिल्क बिकी है किंग्सबेरी है राजा मिस्टर ओरेंज है देखो
राजा बिस्कुट हा, चार पांच दिन खाना नहीं मिले तब वो अड़ा दी। दोनों है दिखाओ मुझे। निकालो दोनों। हाँ, दोनों। हाँ पाटिल बैठो। थैंक यू सर। पाटिल जी, ये फाइल देखी है तुमने? क्या है इस फाइल में सर? बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइल है ये, बहुत कुछ है इसमें। यूं समझ लो किसी इंसान की जन्म कुंडली है ये। फिर इसके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं सर? अब ये तो तुम ही बताओगे। 6 महीने पहले एक आदमी मुंबई आता है, मलारिस्ट के गणेश नगर चाल में सब्जियां बेचना शुरू करता है। कुछ समय बाद वहां का एक गुंडा अन्ना का खून हो जाता है और ये जो सब्जी बेचने वाला है इसके पास अचानक ही बहुत से मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह हो जाते हैं। कैसे? हाँ, सामान से तो नहीं टपके होंगे ना सर? बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है, इतना कुछ इतने कम समय में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं ये हीरा की अधूरी कुंडली तो नहीं? तुम जानते हो उसे? सर इसे तो बच्चे भी जानते हैं। इसकी पत्नी की हत्या अन्ना ने सरेआम कर दी थी। तोरा कैसे पता चल के हमें जिंगा बानी? जेके दिल से पूछल जाला ओकर पता लगावल मुश्किल नहीं के। तोरा संगे जौन भाई उस संसार में केहू के साथ न होखे, जेकर बाप गुंडन की गोली से मरल होखे ओके पुलिस से डर न लागेला। का मतलब? हाँ, हमार बाबूजी बीमार न रहन बल्कि उनका गोली लागल रहे। बदला की आग में वो घड़ी से जलत आनी, आज से हमके भी अपन साथी समझ ला। हम जोने रास्ता पे चलत आनी न ओकरा में कबो मौत हो सकेला। हमरा ज्यादा जिए की इच्छा नहीं की। थोड़ा से दुख बर्दाश्त के लिए बहुत मुश्किल हो जाई सोनिया, हमरा दुख सहे की आदत हो गिल बा। तू संगे रहबा तो
हम औलाद बन जाए। Thank you.
हीरा भैया से कहा कि तिवारी जी आयल बाड़ा। हाँ यहाँ बैठी। आप तिवारी जी आयल बाड़ा। तिवारी जी को नमस्कार। प्रणाम टाइगर भैया। प्रणाम। हम हरि प्रसाद तिवारी आप ही से मिले आयल बानी। जी बैठी। धन्यवाद। हीरा बाबू हम 20 साल से ही मुंबई शहर में रहा तानी और 20 साल से हम लोगन के हाथ जोड़ा तानी। कभी अमन चैन शांति के खातिर तो कभी वोट के खातिर। फिर भी हमार नाम और चेहरा के सिर्फ 10% लोग ही जान रहल बा। लेकिन 5 महीना में पूरा मुंबई तोड़ा के पहचान गई। सचमुच तू नाम के ही हीरा ना बल्कि काम के भी हीरा बाड़ा। तिवारी जी आपके हीरा के परक बहुत अच्छा बाटे। वैसे भी हीरा एक अलग किस्म के होला। उंगली में होला तो खूबसूरत लागेला, अगर कहीं पेट के अंदर चल गई तो ऑपरेशन करके पेट फाड़े के पड़ेला। तोहरे ये तेवर तो अंडरवर्ल्ड के नींद उड़ा दिले बा। अंडरवर्ल्ड के दुनिया में दहशत के दूसर नाम हीरा बा। हीरा हमें तोहरा पे नाज बा क्योंकि तू एक भैया बाड़ा। आज हमरा के वो औजार मिल गए बा जिकरा से समाज की गंदगी खत्म हो सकेला। हीरा तोहरा पता नहीं थे कि तू कितना बड़ा काम करत आला। हीरा हमार खून के एक एक बूंद तोहरा खातिर हाजिर बा। तिवारी जी हम हमेशा खद्दर के पीछे एक बड़ा घिनौना रूप देखले बनी। पहली बार हमरा खद्दर के असली खुशबू मिल रहल बाटे। आपके लगत कि हमरा आप पर विश्वास करे के चाही। हीरा हम कुल मुंबई के माफिया के जाना तानी लेकिन राजनीति के मजबूरी और तोहरा जैसन हिम्मत वाला साथी के अभाव में हम चाहके भी उन लोगन के कुछ ना बिगाड़ सकते। आपके लगत बाटे कि हमरा और आपके मिलना से दुश्मन के कुछ बिगड़ सकेला और बिगाड़ खातिन हमारा आपके संग हो सकेला। हाँ हीरा जो तोहार मकसद बा उहे हमार मकसद बा। पर एक अकेला चना भाड़ ना फोड़ सके। तोरा पास हिम्मत बा ताकत बा जोश बा। हमरा पास दिमाग बा राजनीतिक पहुंच बा। ई अगर दोनों मिल जाए तो गंगा मैया के कसम मुंबई शहर से माफिया के जुर्म के नामों निशान में जाए और तोरा जैसन 10 जवान अगर ई देश में पैदा हो जाए तो ई देश में राम राज्य आ जाए। तिवारी जी आपके बात अच्छा लाग रहा बा हमरा के। चलिए हम भी आपसे वादा करतने कि मुजरिम के खात्मा खातिर हमेशा आपके संगे रहा। मुजरिम चाहे कोनो प्रांत के होखे कोनो जात के होखे कोनो धर्म के होखे आपके एक आवाज पर हीरा अपन खून बहावे खातिर तैयार बा। एक आवाज पर बिटवा हमारे एक बात याद रखिया केहू पर भी विश्वास आंख बंद करके नहीं आंख खोल के करिया। छोटा बानी प्रणाम। जुग जुग जिया बिटवा जुग जुग जिया। बहुत दिनों से कहीं तेरे सांगाई से विचार करते सोचती हूँ कि कहीं नाराज नहीं हो जाओगे। सीधे सीधे बोलना पहेलियां क्यों बुझा रही। सोनिया आली होती। अच्छा फिर जानते हो वो हीरा भैया से बहुत प्यार करती है। अगर तुम उनसे बात करो तो। अच्छा कल महाशिवरात्रि है तुमने हीरा भैया को बोला होगा कि नहीं। हाँ कल महाशिवरात्रि में तो आएगा हीरा।
अरे काशी के ठंडई चकाचक, अरे काशी के ठंडई चकाचक, अरे वो हमें हमारी चैया भंग मिला दो, अरे काशी के ठंडई चकाचक, आयो हमें मरचैया भांग मिला दो, अरे बम्बई के छोरीन के ठुमका, अरे बीड़ी पी के लगवा दो। जय हो परम बाबा की। अरे एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, हे एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, मोर बनारस मोर पटना गोदवलिया बम्बई आ जाई रे, गोदवलिया बम्बई आ जाई रे, एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, बनारस मोर जौनपुर पूर्वांचल बम्बई आए जाही रे, पूर्वांचल बम्बई आए जाही रे, पूर्वांचल बम्बई आए जाही रे। अरे जिए राजा, भंगिया के बूटी है अमृत के गोला, एकरा के पियले दर्द नहीं होला, भंगिया के बूटी है अमृत के गोला, एकरा के पियले दर्द नहीं होला, जे भी गरीबन के अखिया देखावे ओकर पकड़ लेला लोला, जे भी गरीबन के भैया बोलावे ओकर पकड़ लेला लोला, पावर तुरंत डबलिया है जाई रे, पावर तुरंत डबलिया है जाई रे, बनारस मोर जौनपुर पूर्वांचल बम्बई आए जाई रे, पूर्वांचल बम्बई आए जाई रे, बनारस बम्बई आए जाई रे। धुंधुरावन लौके का भइल, ओढ़नी में कुछ चौके का भइल, धुंधुरावन लौके का भइल, ओढ़नी में कुछ चौके का भइल, मन उलझल जाता जुल्फ तरे, कैसे घायल मन धीर धरे, आई हो हीरा भैया का भइल, कहवा तोर मन अजूरा भइल, हाली हाली पेट भर के नया पैक बनावो, अरे काफी से मन पटना भागे हाली ब्रेक लगावो, अरे बंपर के परमेश्वर बाबा गगन मार्ग से आवो, बदलल बा मौसम या बदलल नजरिया, तू तू को एक नियल लौके गुजरिया, बदलल बा मौसम की बदलल नजरिया, तू तू को एक नियल लौके गुजरिया, मन के मोबाइल में आयल वाइब्रेटर हिलता सगरी डगरिया, मन के मोबाइल में आयल वाइब्रेटर हिलता सगरी डगरिया, आवे ते आज फरिया जाई रे, आवे ते आज फरिया जाई रे, मोर पटना मोर बनारस मोर छपरा बम्बई आए जाई रे, बम्बई आए जाई रे, हरे पियते बुझाए जाई रे, एक लोटा पियते बुझाए जाई रे, बनारस मोर पटना अपन गौआ बम्बई आए जाई रे, अपन गौआ बम्बई आए जाई रे, का बुझता है काम को नशा हो गया है, साइड हटो साइड हटो। हाँ
कितना बार ओकरा से बात केली काम होके खातिर? 5 बार। ठीक बा, 6वीं बार जरूरत नहीं पड़ी, जय काम करी। वाह टाइगर, वाह वाह, क्या लग रहे भाई तुम है? बैठा जा, खाली कर। परेश भाई, आज तू अंदर से बहुत परेशान लगत पड़ा, का बात बा? परेश भाई, का बात बा? बहुत प्रॉब्लम है अपन को टाइगर, बहुत प्रॉब्लम है, क्या बोलेंगे? अरे प्रॉब्लम बताओ यार। वो रॉबर्ट के पंजे से अभी तुम ही अपन को बचा सकते, और कोई नहीं। ये रॉबर्ट कौन है? अरे वो एक भिवंडी का चर्सी माफिया साला। अपुन कभी कभी पुलिस का ज्यादा नाकाबंदी की वजह से अपुन का माल सूरत के रूट से ना मंगा कर भिवंडी के रूट से मंगाता था। अब इससे पहले कि अपुन का माल थाना से मुंबई पहुंचे, वो साला बीच में बिल्ली का माफिक झपट्टा मार के उठा ले जाता है और अपने गोडाउन में अपुन का सारा माल जाके भर देता है, अपुन मुंह देता रह जाता है। अब बोलो क्या करेंगे भाई? का भइल बा काल, का भइल? क्या बताएंगे तुमको, अपुन का 80 किलो सोना, 80 किलो सोना वो लूट के चले गया और अपुन हाथ बनता रह गया, अपुन कंगाल हो गया, अपुन के पास कुछ नहीं बचा है। अभी अभी तुम ही अपुन को टाइगर बचा सकता है। परेश भाई, तू लोग हमरा कितना हेल्प केले बाड़ा जा शुरू में, आज भी हेल्प करता जा, तोहार परेशानी हमार परेशानी। कल शाम होके से पहले रवटवा 80 किलो सोना के संगे तोर सामने हुई। रॉबर्ट नाम है मेरा, ऐसे कितने डॉन आए और गए। पहचान भोजपुरी डॉन। मुझे माफ कर दो डॉन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दर्द हो रहा है रॉबर्ट, तुम कहां के रहने वाले हो? मैं गोवा का रहने वाला हूं। देख रॉबर्ट, हम तो के मारा नहीं खींच चाहत, हम चाहता नहीं कि कल शाम तक तू परेश के सोना पहुंचा दे और इस शहर छोड़ के हमेशा हमेशा खातिर चल जाओ। ठीक है भाई, मैं इस शहर क्या, मैं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता हूं भाई। अगर दोबारा दिख गया ना तो ये गोली वहां की बजाय यहां पे लग जाए। ठीक है भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे भाई। गुड बाय। Thank you.
अरे हीरा है क्या? हाँ हाँ साहब, बैठिए साहब। हमारा घर भी कभी कभी थाना लगने लगता है। पाटिल भाई नमस्कार। पाटिल भैया जरा तू हमरे यहाँ जल्दी जल्दी आया करो, तुम्हारे बिना बहुत अच्छा नहीं लगता है। हीरा के झोपड़ी तोरे बिना बहुत उदास लगे ले। बोलो क्या है वो ठंडा गरम? टाइगर, इस बार मैं ठंडा गरम लेने नहीं आया हूं। पाटिल भाई आप हमके टाइगर मत बुलाओ करा। टाइगर बोलने से हमके लगे अपनी ड्यूटी पे बानी। काले बस सतुआ ले बो। टाइगर ये मजाक का वक्त नहीं है। दरअसल तुम समझने की कोशिश करो, बात बहुत सीरियस है। गिरफ्तार करे अल बड़ो, अगर गिरफ्तार करे के मन होई तो बिहारी आदमी है, दोस्त खातिर जान दे सकेला। चल चल तोरा संगे। अरे तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आगाह करने आया हूँ। डीसीपी खन्ना के आदमियों की निगाह लगातार तुम पर बनी हुई है, कोई भी कदम उठाओ तो जरा सोच समझ कर। समझ गए? अच्छा तो मैं चलता हूँ। पाटिल भाई, पाटिल भाई मौत से कब वो डर नहीं लागल हमरा की, और जिए के बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं बचल। हम जाना तनी जोने रास्ता पर चला तनी हम कब वो मारल जा सकेला। तू एगो दोस्त के तरह समझाओ तड़ो, बहुत धन्यवाद लेकिन मरे से पहले ऐसा काम करके जाए ना। तुम खुश हो जीवा। हाँ
परेश भाऊ, आप हीरा पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगे हैं। अरे जगन सेठ, अब उनका हीरा ऐसा ही छे जिस पे आग बन के विश्वास करना मांगता है क्या? लेकिन परेश भाऊ, कल वो इंस्पेक्टर से मिला था, इसका मतलब समझते हैं आप? तुम्हारे कहने का मतलब उन समझता नहीं। तुमको जो कुछ भी कहना मांगता है ना, अब उनको साफ साफ बोलो क्या। परेश भाऊ, हीरा कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा क्या? हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हीरा का डबल रोल है, अपुन के सामने कुछ और अपुन के पीछे कुछ। परेश भाऊ, मेरा तजुर्बा कहता है कि कुछ दाल में काला है। जगन, अपुन के धंधे में चोर और पुलिस के बीच का आंख मिचौली का खेल जमाने से चल रहा है। मानता हूं कि खेल पुराना है, लेकिन जगन तुम्हारा शक का कोई इलाज नहीं है क्या? और आजकल तो चोर पुलिस का रिश्ता इतना मजबूत हो गया है, इतना मियां बीवी का नहीं होता है। चलो मैं मानता हूं कि अपुन का हीरा इंस्पेक्टर से मिला होगा, लेकिन अपुन का फायदे का वास्ते ना, कहीं को उसको मालूम है कि अपुन के फायदे में उसका फायदा है और अपुन के नुकसान में उसका नुकसान है। तो कोई भी बुद्धि वाला आदमी अपना नुकसान जानबूझकर नहीं उठाएंगा क्या? टप्पू, एक बार जब हमनी के बार में सोनिया के चक्कर में झगड़ा खलल रहनी जा, जब संगीता की बात पता चलल, तो संगीता हमरा पर गुस्साए के बजाय, हमरा पर सग्गा करे के बजाय ई कहले रहे कि हम जबल भी कैले हो कब ठीक कैले हो कब हम जबल भी कैले हो कब ठीक कैले हो कब हम जबल भी कैले हो कब ठीक कैले हो कब। मेरा तू दोसर शादी कर, का कला? हाँ ही, हम जानता कि तू संगीता के जन्म में ना भूला सके, लेकिन हीरा बाबू जिंदगी चलत रह के नाम और तोहरा भी चलत रह के पड़े। डब्बू तू का कहत बड़ा बढ़ाते, एकदम ठीक कहत है और बिल्कुल सोच समझ के कहत है। सोनिया बहुत अच्छा लगी डब्बू। हाँ, हम जानता कि वो संगीता नहीं हो सकत, लेकिन जब जब हम ओकरा के देखे ले तब तब हमरा अपना बहन संगीता याद आवे। कुछ संगीता नहीं हो सकेला, जानत जौन हम कर रहल बानी वो सही बा या गलत, लेकिन इतना जरूर जानत बानी कि हम संगीता से
उनकर हीरा के छीने की कोशिश ना कर रहल बानी, बल्कि अपन प्यार से उनकर हीरा के मजबूत बनावल चाहत बानी। सोनिया, हम जाना तनी कि तू कौने भावना में बात कर रहल बड़ो, लेकिन हम अपने जिंदगी से कभी संगीता के भूला नहीं सकेला, और न तो हम यही स्थिति में केहू संगे न्याय कर सकेला। अन्याय ना हो हीरा, अन्याय ना हो। हम जानत बानी कि हम संगीता ना बन पाए, लेकिन उनका साया बन के हम तो हर साथ दे सकी, तरह के संभाल सकी, का इतना भी हमारी किस्मत में नहीं खे। क्या बात है टाइगर, आजकल तुम बहुत ही गुमसुम रहते हो। जगन भाई, हाले दिल हर किसी को सुनाया नहीं जाता, दिल का जज्बात हर किसी को बताया नहीं जाता। लोग हथेली पर नमक लेके घूमते हैं, यहाँ जख्म हर किसी को दिखाया नहीं जाता। वाह 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 वाह, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच टाइगर। हम आप लोगों को आज के केंद्र बिंदु पर लाना चाहते हैं, जिस काम के लिए मैंने आज खास ये मीटिंग रखी है। देखिए जगन भाई, हीरा अगर अपनी चमक खो दे तो हीरा नहीं रह जाता। और इस हीरा को अपनी कीमत कौड़ियों के भाव मंजूर नहीं। मैं एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे दुनिया के जो भाई लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, हमारे जो जिनको डॉन कहते हैं, वो सब लोग आए हमारी पार्टी में। लेकिन टाइगर, इस पार्टी की कोई खास वजह तो होगी। ऐश, परिचय समारोह। हम जिनके साथ रोज काम करते हैं, जिनका काम कराने के लिए आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे फोन करते हैं, हम उनको जरा चेहरे से भी जाने ना। क्या है भैया कि कैश सुख नहीं दे सकता, सुख तो ऐश ही देगा, और हम लोगों को कैश से हटके थोड़ा ऐश करना चाहिए। सो आई वांट अ बिग पार्टी। वाह डॉन वाह, ऐसा सोच तो कोई तुम्हारा माफिक डॉन ही सोच सकता है। पर आप उनके भेजे में एक बात नहीं आई कि आप उनको ऐसा खास जगह काई को बुलाया। परेश भाई, डॉन खास बात के लिए खास जगह का ही चुनाव करता है। टाइगर, पार्टी कब करनी है? आज से 7 दिन बाद 7:15 पर होटल रेनेसंस, और मैं चाहता हूं कि इस पार्टी में दुनिया के सारे डॉन आने चाहिए। पर डॉन, तुम इतना सारा लोग को बुला रहे है जिसके पीछे इंटरपोल का पुलिस अकेला है, और फिर उन्हें 11-11 देशों की पुलिस ढूंढ रही है डॉन। हम भोजपुरिया डॉन हैं जगन भाई, और ये मत बोलिए आप लोग कि अगर कुछ लोगन के 11-11 देश के पुलिस खोजतिया, तो ये भोजपुरिया डॉन के 22 देशन के डॉन भी खोजतारे। हमारी पार्टी को सफल करना आपका काम है, और मैं समझता हूँ आप इसे जरूर करेंगे। समझ गया। यस। सुने ता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। हाँ, नाम
सुनेता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। हम सुनेता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। सीधी साधी बात करी ले, सीधी साधी बात करी ले, जानी नहीं बेवड़ा फोन। नाम सुनेता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुनेता दुनिया मौन, भोजपुरिया डॉन। सीधी साधी बात करी ले, जानी नहीं बेवड़ा फोन। नाम सुनेता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुनेता दुनिया मौन, भाई साहब हम ही है भोजपुरिया डॉन। सच्चाई आपन मजहब माने ली, है बात से बात बने नहीं था, दूसरों भाषा जाने ली। बात से बात बने नहीं था, दूसरों भाषा जाने ली। माटी में मिल जाई भाई, माटी में मिल जाई भाई, हमरा पे टकराई जान। नाम सुनेता दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुनेता दुनिया मौन, ही है भोजपुरिया डॉन। बोलेला दिल के सच्चा खुशबा हमसे गलत के भेजा डोलेला। दिलवर के दिलदार है दिल सब भुलवा के आगरवा, दीन हीन के सच्चा सेवक रेत के घर में सागरवा। बच के भागे पाई कहाँ से, मौत के सौदागरवा, पाप मिटावे निकल पड़ल बा, पाप मिटावे निकल पड़ल बा, एकरा के अब रोकी कहो। नाम सुने तो दुनिया मौन, इहे हा भोजपुरिया डॉन। नाम सुने तो दुनिया मौन, इहे हा भोजपुरिया डॉन। सीधी साधी बात करेला, सीधी साधी बात करेला, जाने नहीं देवड़ा को। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही ऐसा है भोजपुरिया डॉन। का करती साहब आप लोग बात कैसे, बहुत तकलीफ देनी है आप लोग। अच्छा चलिए गई साहब, हम ही है भोजपुरिया डॉन। हैंड्स अप, डोंट गो, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अरे साहब प्रणाम, साहब प्रणाम। तिवारी साहब हैं? अबे तो नहीं है साहब, बैठिए ना सर, बैठिए। सर चाय वाय लेंगे? कहाँ गए तिवारी साहब? सर अबे तो घर से निकले हैं। ब्लडी फूल, मुझे यहाँ बुलाकर खुद चले गए, इडियट कहीं का। अच्छा तुम ये बता सकते हो किधर गए होंगे? साहब आपका इंतजार करके अबे गए हैं, वह शायद हेलीपैड की तरफ गए हैं, दोनों प्राइवेट डील है साहब। अच्छा अच्छा, हेलीपैड की तरफ गए हैं। ये कौन है? साहेब कर्नल दत्तात्रेय हमाम, अपना कंपनी के सब हथियार ही ना सप्लाई कर लो। अरे सुनो, बाहर हमारी गाड़ी में कुछ हथियार रखे हैं, अपने आदमियों से कहो उन्हें निकाल लें। कर्नल दत्तात्रेय लहूदेव। ये कौन है और यहाँ कैसे है? आपको नहीं मालूम साहब? टाइगर साहब, भोजपुरिया डॉन।
देखो टैगर भाई, बात यह है कि वो उस वक्त की बात है, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या? भगोड़ा हूँ साहेब, फौज का भगोड़ा हूँ, सजा याफ्ता हूँ। वो कोई और वक्त था टाइगर भाई, आप समझिए मैं। और वक्त आज रखो बताओ तनी आज हम मार आपको चार अंकिल दे चार अंकिल दे भाग भाग कहाँ तक भाग सके तू भगोड़ा कि हम भगोड़ा। हाँ भैया तुहार काम हो जाए, ई हमार जबान हरि प्रसाद तिवारी के जबान है। भैया तू बिल्कुल चिंता ना करा, तुहार काम हो जाए। तिवारी जी जौने आदमी के पीछे छुप रहल बाड़े ना ओकरा से दूर रह, नहीं तो तोरा नहीं ना पवित्र आदमी के छुआइला से इहो गंदा हो सकेले। का बात बा हीरा, का बात बा? एकरा के काहे मारा तड़ा, ये हमारा आदमी है। चाचा हमरा तोरा से आदमी चिन्हे में गलती हो सकेला। इस साला साजिश करके हमार जिंदगी बर्बाद कर देला। हम फौज के सच्चा सिपाही बन के देश के सेवा कर चाहत रहनी, हमरा के डॉन बना दे। ई जोन हथियार हमनी के भेजत बाटे चाचा, वो देश के रक्षा करे वाले सेना के हथियार है, जवन हमरा नियन सच्चा सिपाही के कोर्ट मार्शल करके जुटावल जाला। नहीं छोड़ा एक तरह के हमार चिंता नहीं छोड़ा। ये झूठ बोल रहा है, पागल हो गए आदमी, आज हम तुर कोर्ट मार्शल करब रे दत्तात्रेय। हम तो चाचा थैंक यू तिवारी जी। तोहरा जैसा न जाने कितना भतीजन के हम चाचा हैं, जिकरा के हम उंगली पकड़ के चलना सिखाईला, गोली चलावे के भी सिखाईला, और जब कोई हमार भतीजा बहुत बड़ा निशाने बाज हो जाला तो ही चाचा होकर हाथ काट दिया। तू हमरा के कुछ ज्यादा ही शरीफ समझ लेना, और हम सराफत के नकाब ओढ़ के अपन सारा दुश्मन के तोहरे हाथ से सफाया करवा देनी। और अगर इकरा जैसन मेजर देश भक्त हो जाए तो हमार गैर कानूनी हथियार के धंधा का होई? हमार प्यारा भतीजा, अब तू हमरा बारे में जरूरत से ज्यादा जान गई बाड़ा, इसे अब तोहार जिंदा रहल हमार मौत बा। तू तो मेजर वो से खतरनाक निकले रे चचा। पहला बेरी कोई के जीवन में हम पहचाने में भूल कर दे। तू जितना शरीफ हमरा के समझ ले उतना शरीफ तो हम नहीं है रे टाइगर बा, हम बहुत 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 कमीना है। कई दर्जन कमीना मरल हुई है ना, तो सबन के खून मिला के तोरा नियन नेता के निर्माण भइल हुई। Yeah!
कारण हमार दोस्त हमरे हाथे मरल। अब तू भी जो अब देखा तानी तू कहां तक बचा ताड़े। अब हम सिर्फ दोनों ही बचल बानी। हमरे हाथ में तमंचा बा और तू है निहत्था। ऐसन में हमरा शिकार करे में बहुत मजा आई। चला गोली हरिप्रसाद तिवारी, लेकिन एक बात याद रख कि हमके मरत मरत भी ये बात की अफसोस रही कि हम तोरा से बड़ा कमीना नहीं देख। अब देख भी ना पाइबे। डब्बू तिवारी, टाइगर के मारल तोहरे बस में नहीं खे। इल्ला अरे चचवाई तो खेला बदल गई रही। जंगला गई ले। अब बोल रे चचवा। लेकिन नहीं, हम निहत्था आदमी पे वार नहीं कर सके। कहे कैसन शिकार हमें नहीं जमा। हम तोरा के भी पिस्तौल दे ले, ले। भाग। जब गीदड़ के मौत आवेल तो शहर के तरफ भाग रहे चचवास। तू गिर गई ले, हम सोचबो नहीं केली कि तोरा संगे हमरा ई सब करे की पड़ी। दत्तात्रेय गई ले। इधर रुक जाओ। पाटिल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। Hands up, don't move. तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, ये कानून का मुजरिम है। पाटिल अरेस्ट हिम। थैंक यू हीरा। हीरा यू आर ग्रेट। आज तुमने एक ऐसे गद्दार से छुटकारा दिलाया जो फौजी के नाम पर कलंक था। ये फौज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा था। सर ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। क्या हे भगवान। मिस्टर जीरा मैं आपको भी सलाम करता हूं। सर ये हमारी पत्नी नहीं है। क्या सॉरी सर। सच्चाई क्या है वो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली ये मेरी बहन है। हाँ संगीता।